29 जनवरी यानी 29 जनवरी को आज है हमारा सुबह की शुरुआत हुआ है उत्तपम से, और कल है 30 जनवरी, कल मेरा मैरिज डे भी है। लेकिन इस वीडियो में आपको मेरा मैरिज एनिवर्सरी का भी सरप्राइज देखने को मिलेगा, और साथ में मैंने जो बहन को सरप्राइज दिया वो भी देखने को मिलेगा। तो सब कुछ हम दोनों ने एक दूसरे के लिए सरप्राइज रेडी तो किया था, लेकिन ना उसने मुझे बताया था ना मैंने उसे बताया था, और कैसे कैसे क्या हुआ है सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पूरा फुल धमाका व्लॉग है हमारा ये, दामाद जी की दोस्ती भी देखने को मिलेगी, दोनों दामाद जी कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या लेके आए सब देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे शालिनी बिटिया जो सभी शालिनी अपनी बिटिया को खाना खिला रही है, बोली शालिनी बिटिया, शालिनी बहना जो है वो अपनी बिटिया को खाना खिला रही है, दलिया खिला रही थी। और यहाँ उत्तपम बन रहा है, किस किस को है उत्तपम पसंद, इसमें पता है मैंने कौन सी सब्जी डाली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, और दही में भिगो कर सूजी को नमक वमक डाल के मस्त टेस्टी वाला उत्तपम बन जाता है। किस किस को है उत्तपम पसंद। और हमारे घर ना सब कुड़कुड़ा उत्तपम खाते हैं, खास करके हमारे घर में जो दो दामाद जी हैं ना दोनों को कुड़कुड़े उत्तपम पसंद है। और इसके साथ यहाँ दोनों बिटिया हमारी मस्ती कर रही हैं, रूमिका एंड कनिका, दोनों का नाम बिल्कुल एक जैसा है ना। और पता है हमें, मुझे ना रूमिका का नाम बस ये पता था कि परी नाम है, परी नाम है, मुझे ये नहीं पता था कि रूमिका नाम है। और जब बाद में कनिका का नाम मैंने बताया ना तो वो पता चला कि अरे उसका नाम तो रूमिका है और इसका नाम कनिका पड़ गया, बिल्कुल एक जैसा नाम, पता नहीं कैसे शायद भगवान जी ने सेट किया है दोनों बहनों का नाम। और दोनों मस्ती कर रहे हैं और उसको बैठना आता है क्योंकि वो ना अभी 2 महीने बड़ी है कनिका से, और मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ उत्तपम। और उसके बाद ये देख रहे हो कनिका कैसे चिपटी पड़ी है चांदनी से, चांदनी से सारे बच्चे ऐसे ही लिपटे रहते हैं। और ये रहे दोनों दामाद जी। तो कल मोमोज खिलाया था हमारे छोटे मतलब क्या उनको रोहन जी ही बोल लेती हूँ उन्होंने, और आज डीजे लेकर के आए हैं समोसा कचौड़ी। दोनों दामाद की ना चॉइस बिल्कुल अलग अलग है खाने पीने के मामले में, और कुछ कुछ चीज़ें मैच भी करती हैं। तो जैसे कि उनको मोमोज मंचूरियन पसंद है शालिनी के हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड को पसंद है समोसा कचौड़ी, और शालिनी के हस्बैंड को मटन बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को पसंद है उस मटन के सामने पनीर ज़्यादा पसंद है। तो मटन तो बहुत टेस्टी बनाया, और शालिनी ने ही बनाया है क्योंकि मुझे तो मटन बनाना ही नहीं आता है, मैंने कभी नहीं बनाया एक्चुअली में। और इसके साथ बहुत टेस्टी वाला मटन बन के तैयार है, और हम लोग यहाँ तैयार हैं, हम लोग जा रहे हैं शालिनी को सरप्राइज़ देने, और सारा सीक्रेट नील को बता के जाते हैं हम लोग, और वो भी कुछ सरप्राइज़ देती, कुछ भी कर दिया ना तो वो भी नील को ही बताती, मतलब ये बिचवनिया बन गया हमारा नील, नील पता है मैं नील अनमोल में कंफ्यूज हो जाती हूँ। और इसके साथ मैं यहाँ पहुँची थी कपड़े लेने, तो ये वाला कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था डंगरी वाला, लेकिन ना इसमें साइज़ का दिक्कत आ रहा था, साइज ही नहीं मिल रहा था, इलास्टिक वाले नहीं थे तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने ये लिया है। और इस ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये वाला कपड़ा ऐसा है ना कि स्ट्रेचेबल रहता है ना, तो थोड़ा अगर बच्चा हेल्दी हो पतला हो तो सब में आ जाते हैं। तो मैंने ना कनिका के लिए भी थोड़े छोटे साइज़ के इसी में से ले लिया, और एक अनमोल के लिए ले लिया क्योंकि उन दोनों के मुंडन कराएंगे ना तो काम आएगा। और मैंने सोचा था ना कि रूमिका कनिका दोनों को एक जैसे कपड़े बना के ले जाऊंगी मुंडन कराने के लिए, लेकिन ना प्लान ऐसा हुआ कि शालिनी नहीं जा पाएगी मुंडन के लिए, तो फिर भी कपड़े तो एक जैसे पहना ही दिए मैंने। और इसके साथ ही यहाँ शालिनी ने कहा कि वीडियो में भी दिखाओ कपड़े, और पता हम कैसे भागते दौड़ते आए हैं क्योंकि इन लोगों को 3 बजे निकल जाना था, और 3 बजे से पहले ही जो भी कर सकते थे करना था, और मैंने हमने तो खाना भी नहीं खाया, हम लोग भाग भाग के चले गए, अब लेके आए, अब सबको विदा करने के बाद ही खाना खाएंगे। और यहाँ पे शालिनी ने क्या मंगाया है मेरे लिए मैरिज एनिवर्सरी सरप्राइज, क्योंकि वो रुक नहीं सकती थी और उसके हस्बैंड की छुट्टी नहीं है। ये नहीं मेरी बहना ड्रेस दिखा रही है बहुत प्यार से, मैंने कहा देखना कहीं मिक्स ना हो जाए, पता चले कर रूमिका के लिए छोटे वाले कपड़े चले जाए तो दिक्कत हो जाएगा। और ये देखो डीजे को संभालने के लिए दे दिया हमने बच्चे को, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि शालिनी ने मेरे लिए क्या सरप्राइज अरेंज किया था, मुझे पता भी नहीं था। तो बस हम लोग 3 बजे से पहले पहले केक काटेंगे और शालिनी निकल जाएगी। तो यहाँ पे केक है जो कि मेरी बहन ने बिल्कुल सरप्राइज केक मंगाया, नील से मंगाया है, और मुझे नहीं पता चलने दिया, नील ने मेरा सरप्राइज बहन को नहीं पता चलने दिया, और बहन का सरप्राइज नील ने मुझे नहीं पता चलने दिया। तो ये नहीं मेरी प्यारी सी बहन ने मेरे लिए केक मंगाए हैं, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा बहुत मन था कि शालिनी रुक जाए मैरिज एनिवर्सरी पर, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही केक काट के बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि आज ही है मेरा मैरिज एनिवर्सरी। और चाचा यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं केक लेकर, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन चाचा को ना एंकरिंग का काम बहुत अच्छे से आता है। और कनिका है मौसी की गोद में, चाचा ने कहा प्लीज़ कम विद अ स्मॉल नाइफ, तो मैं एक छोटा सा नाइफ लेकर के आ गई हूँ, और यहाँ कैंडल सजा रही है मेरी बहन। और हम लोग एक दूसरे से बहुत टाइम बाद मिले थे, पता है 3-3.5 साल बाद, तो मन था मेरा कि कम से कम 10-15 दिन में आ हूँ तो वो भी साथ रुक जाए, लेकिन रोहन जी की छुट्टी नहीं थी, और फिर जाहिर सी बात है जब वाइफ अलग होती है तो खाने पीने का दिक्कत हो जाता है हस्बैंड लोगों को, तो बस इसी वजह से बहन नहीं रुक पा रही है। बट सही है, अपनी अपनी फैमिली का ध्यान देते रहना चाहिए इसी तरह से। तो शालिनी ने मेरा भी ध्यान दे लिया कि केक एक दिन पहले कटा दिया, और अपने हस्बैंड का भी ध्यान दे लिया। तो यहाँ पे केक में कैंडल वैंडल सब लगा दिया है बहना ने, और इसके साथ हम लोग अब काटेंगे केक। और पहले कन्फ्यूजन हो रहा था कौन काटे केक, फिर डीजे का दिमाग चला, डीजे ने कहा कि नहीं शालिनी और रोहन जी की तरफ से केक है, तो हम लोग सब लोग एक साथ
साथ मिलके एक साथ केक मतलब चाकू पकड़ के काटेंगे। तो चलो ये भी अच्छा लगा क्योंकि बहन की वजह से, बहन की तरफ से हम लोग केक काट रहे थे, तो हमने कहा कि चलो सब लोग साथ में पकड़ के काटते हैं। तो पहला मैरिज एनिवर्सरी हमने ऐसे फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, कुछ इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और हम दोनों बहनों की शादी हुई, हम दोनों के बहुत सारे बच्चे भी हो गए हैं, मतलब एक उसके हो गए, दो मेरे हो गए, तीन तीन बच्चे भी हैं। तो सबके साथ मिलकर हम पहली बार ऐसे साथ में केक काट रहे हैं, वरना पहले मेरे कोई बच्चे बच्चे थे नहीं। यहाँ पर मनाया तो था मैंने, लेकिन उस वक्त कोई बच्चे भी नहीं थे, शालिनी की शादी भी नहीं हुई थी। तो कुछ इस तरह से हमने अपना मनाया हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और ये 29th का वीडियो है, हम लोग मैरिज डे से एक दिन पहले ही मना लिया, और 3 बजे शालिनी को निकल जाना है घर से। तो फटाफट सब कुछ हम लोग कर रहे थे, और इस चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा, मम्मी को हम लोग बुलाने भूल गए। कोई बात नहीं, मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन बुला लेंगे। और इसके साथ यहाँ पे हम लोग सब लोग इंजॉय कर रहे हैं केक। और कैसा लगा आपको ये धमाका व्लॉग, और साथ में मेरी फैमिली आपको आई थिंक बहुत अच्छी लगी। मेरे चाचा बहुत कॉमेडियन है, हमेशा कॉमेडी करते रहते, और ये हम लोग केक खाते हुए, और बहुत टेस्टी था केक। और इसके बाद निकल पड़ी है शालिनी, क्योंकि उसका घर यहाँ से 2-3 घंटे दूर है। मैं खैर वीडियो में सबको विदा कर रही हूँ कि बीच में ये कौन आ गया अनजान, तो शालिनी हंसती थी। मैं बाद में बताया, वीडियो ऑन करने के बाद मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कौन है। तो इसके साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, शालिनी जा रही थी, तो मुझे मेरा बहुत मन था कि साथ में और रुक जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मैं खुद ज़्यादा दिन नहीं रुक पाती हूँ, तो वो कहाँ से रुक पाएगी। कोई नहीं, जितने दिन भी हम लोग साथ रहते हैं, जब भी मिलता है मौका, तो हम लोग मिल लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। और मैं पहली बार मिली थी रूमिका से, और शालिनी पहली बार मिली थी कनिका से। तो कुछ इस तरह से हमने किया टाटा बाय बाय। और घर आने के बाद फिर यहाँ पे खाना रेडी है हमारा, क्योंकि हम लोग दिन में नहीं खा पाए थे, भागम भाग में रह गए थे। तो अब हम लोग खाएंगे खाना। और इसके साथ ही एक और कुछ हुआ ऐसा, जो कि अभी मैं आपको बताती हूँ। हम दोनों ना वीडियो बनाने के चक्कर में, ना हम लोग एक दूसरे के बच्चों के हाथ में कुछ रुपये देने ही भूल गए आशीर्वाद के तौर पर। तो हम लोग एक दूसरे को पेटीएम कर रहे हैं अभी, और बीच में ही हमारा नीली है, जो कि या तो सरप्राइज देना हो या कुछ भी काम हो, तो बीच में हम लोग नील को ही पकड़ते हैं, जो भी हम लोगों का सब कुछ मैनेज कर देते हैं नील। और इसके साथ उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे कपड़े उठाने के लिए, बहुत ज्यादा कपड़े थे। और ये चांदनी ने सिखाया है कनिका को अगे अगे करना, तो वो यहाँ पे ना बार बार बोली थी अगे अगे, तो मम्मी उसको बोली जल्दी वीडियो बनाओ इसका, जल्दी वीडियो बनाओ। तो सब लोग जा चुके हैं, और यहाँ कनिका अभी भी सबकी यादों में अगे अगे कर रही है। ये मम्मी लोगों का लैंग्वेज है, तो आप समझ सकते हो क्या होता है आगे का मतलब। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताना, फटाफट से बताना। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये फैमिली ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और मम्मी पूरे दिन मेरे ही वीडियोज देखती रहती हैं, तो बस मम्मी के फ़ोन में